जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी प्यारे भक्तों को मेरे तरफ से राम राम। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूं भगवान श्री राम की जन्म स्थली एवं पावन भूमि अयोध्या में। आज के इस वीडियो में मैं आपको अयोध्या के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि बेहद ही रोमांचकारी होगा। अगर आप भी अयोध्या आने की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला होगा। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे अयोध्या कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, दर्शन के लिए कौन कौन सी प्लेसेज अवेलेबल है, अयोध्या दर्शन का सही समय एवं तरीका क्या है, साथ ही जानेंगे होटल कहां पर बुक करना है एवं खाने पीने के कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और सबसे अंत में जानेंगे कि अयोध्या घूमने के लिए कुल कितना बजट होना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को स्किप किए बिना पूरी ज़रूर देखें, ताकि आपकी अयोध्या की कोई भी प्लेसेज छूटे नहीं और आपकी अयोध्या की यात्रा सफल हो। इसके साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत तीर्थस्थल है, जो कि भगवान श्री राम की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। अभी यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, जिसमें कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। करीब 550 वर्षों के बाद यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है। इस मंदिर में बाल रूपी रामलला का मूर्ति स्थापित है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आप अयोध्या कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए ट्रेन की यात्रा सबसे सुगम, सस्ता और सरल व्यवस्था है। देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों से आप अयोध्या पहुँच सकते हैं। वैसे तो अयोध्या में दो रेलवे स्टेशन हैं, अयोध्या धाम तथा अयोध्या कैंट। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से श्री राम जन्मभूमि मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि आप पैदल या ई रिक्शा के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। वर्तमान में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया एवं सजाया गया है। दोस्तों दूसरा रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट का है, जो कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सबसे पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बुकिंग करें यदि आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो। वहीं आप अयोध्या बाई रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर एवं प्रयागराज से आपको बसें आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, जिसका कि नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों से यहाँ की फ़्लाइट आसानी से मिल जाती हैं, और यह एयरपोर्ट इसी साल प्राण प्रतिष्ठा के समय शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बातें कर लेते हैं होटल के बारे में। वैसे तो अयोध्या में आपको 1500 से 2000 में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिसमें आप 2 लोग रह सकते हैं, लेकिन अभी अयोध्या में काफ़ी भीड़ भाड़ है तो आप ऑनलाइन माध्यम से होटल बुक कर जा सकते हैं, और मंदिर से 1 किलोमीटर की रेडियस में ही आप होटल बुक करें, ताकि आपको अयोध्या को आसानी से घूम सकते हैं। हम लोग अयोध्या में होटल मंदिर से मात्र 400 मीटर की दूरी पर ही बुक किए थे, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर के बगल में रामपथ पर स्थित था, और उसका नाम श्री राम होटल था, जिसके लिए हमें 1760 रुपये एक नाइट यानी 24 घंटे के लिए बुक किए थे। वैसे तो आप होटल रेलवे स्टेशन के आसपास भी बुक कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सस्ते में अयोध्या कैसे घूम सकते हैं। अयोध्या में सबसे पहले दर्शन करने के लिए आप हनुमानगढ़ी मंदिर जा सकते हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर से मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर रामपथ पर ही स्थित है। हनुमानगढ़ी मंदिर जाने के रास्ते में सड़क के दोनों किनारे पर आपको एक जैसी घरें तथा दुकानें देखने को मिलती हैं, जो कि एक ही रंग में रंगी हुई हैं, जो कि अयोध्या की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं, और रात्रि की सुंदरता में आपको हर दिन दीपावली की याद दिलाते रहती है, जो कि देखने में काफ़ी भव्य लगता है। चलिए दोस्तों मैं अब आपको लेकर आ गया हूँ अयोध्या के सेनापति हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी में। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले आप यदि हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी अयोध्या की यात्रा सफल नहीं होगी। इस मंदिर के मुख्य सड़क पर बहुत सारी फूल माला एवं प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं, तो आप यहां से फूल माला और प्रसाद लेकर मंदिर में पूजा के लिए जा सकते हैं। यहां पर हर दिन काफ़ी भीड़ होती है। यह मंदिर बहुत ही पावन माना जाता है और अयोध्या के किले की तरह काम करता है। आप यहां पर बजरंग बली का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह हनुमान जी का अलौकिक और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। छिहत्तर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, तो देख सकते हैं ये लाल लाल रंग से रंगी हुई सीढ़ियाँ, और जय श्री राम का नारा भी लग रहा है। बहुत सारे भक्त
लेके चलते हैं, देखते हैं। ये हनुमानगढ़ी मंदिर का गेट है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, देखने लायक है। तो देख सकते हैं ये, और हम लोग प्रसाद ले लिए हैं, फूल माला भी ले लिए हैं और मंदिर में चलेंगे। तो जय श्री राम, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। देख सकते हैं आप यहाँ पर, आज शनिवार का दिन है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और यहाँ पे हनुमान चालीसा उनके हाथों में है और हनुमान चालीसा वो लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, आप भी यहाँ पर आए तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो देखिए सामने में भी एक राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है, आप आएँगे तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। दोस्तों श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में हमारा दर्शन हो चुका है और दर्शन करने में 5 से 10 मिनट का समय लगा, बहुत ज़्यादा क्राउड है और सुबह के 7:15 बज रहे हैं। 15 से 20 मिनट में हमारा दर्शन जो आसानी से हो गया और बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए हैं। आज सैटरडे का दिन है हनुमान जी का, तो दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद भी चढ़ा दिए हैं, फूलमाला भी चढ़ा दिए हैं। जब आप भी आते हैं तो ये सभी चीज़ें करें, यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बाहर जाने का रास्ता है यहाँ पे, और यहाँ पे अब श्री हनुमान जी की जो चौपाई है पूरा पत्थरों पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे राम रक्षा स्त्रोतम, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। शिक्षा पर चौपाइयाँ भी हैं, श्री हनुमान चालीसा भी है यहाँ पर, श्री हनुमते नमः। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हनुमान जी के 12 नाम कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बढ़ भी देता हूँ। पहला नाम हनुमान के नाम से, में से अंजनी सूत, वायु पुत्र, महाबली, राम मस्त, फाल्गन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव गर्पहा। ओम अंजनी सुताय विग्रहे वायुपत्राय धीमहि तनो अनंत प्रचोदयात। श्री हनुमान जी की आरती भी है, ये पत्थरों पर लिखा गया है। और उसके बाद ये हनुमान चालीसा भी है, आप यहाँ पर आकर पढ़ भी सकते हैं। प्रसाद ही दिया हुआ आप लगे भक्त हनुमान चालीसा, और भी संकट मोचन हनुमान अष्टक भी यहाँ पर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर आके पढ़ भी सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आरती जो है बजरंग बली की ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप याद नहीं है आपको, आप बुक लाना भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर देखिए राम जानकी और लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है यहाँ पर, तो इस मंदिर के भी दर्शन करें, संकट मोचन हनुमान पुस्तक, और देख सकते हैं यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दीप जल रहा है यहाँ पे, और ये बेल जो है बड़े बड़े बेल लगाए गए हैं। तो ऐसा लगा दर्शन करके बहुत ही मन प्रफुल्लित हो चुका है। जब आप भी यहाँ पर आते हैं तो दर्शन बजरंग बली के जरूर करें। और कहा जाता है कि रामलला के दर्शन के साथ ही अगर बजरंग बली के दर्शन आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो आपकी मनोकामना या अयोध्या की यात्रा सफल नहीं होती है। तो हमने तो दर्शन बजरंग बली के कर लिए, अब चलते हैं रामलला के दर्शन के लिए और आप लोगों को जहाँ तक हो सके दिखाएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अयोध्या के राजा रामलला के दर्शन को, जो कि अपने नए भव्य मंदिर में विराजमान है, जिसका कि दिनांक 22/1/24 को इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। तो हनुमानगढ़ी से रामपथ के माध्यम से मंदिर की ओर जाएंगे। रामपथ पर बने हुए गेट, जिसे कि सिंह द्वार कहा जाता है, उसको पार कर आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन कैसे करेंगे और दर्शन के क्या क्या नियम हैं। दोस्तों अभी हम राम जन्मभूमि मंदिर में हैं और सामने आप देख सकते हैं इधर पीछे में बहुत सारे चप्पल जूते रखने के काउंटर बने हुए हैं। जो भी लोग आते हैं तो यहाँ पर चेकिंग पॉइंट है, वहाँ से आपको बड़े बड़े जो सामान है बैग और अपने आप को चेकिंग कराना होता है। चेकिंग कराने के बाद आप यहाँ पर चप्पल खोल सकते हैं, फिर मोबाइल और जो भी गैजेट आपके पास है, कैमरा वैमरा है। यहाँ पर लॉकर बना हुआ है, बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल और
जो भी लॉकर में रखना है बैग आप लॉकर में रख सकते हैं, ये सभी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, तो आपको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में जब आते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा क्राउड है फिर भी बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सामने भी देख सकते हैं चेकिंग पॉइंट भी है, और यहाँ पे आप जूता चप्पल रखने का भी काउंटर है जो कि फ्री काउंटर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ से ये सारी व्यवस्थाएँ की गई, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं हो रहा है। और मंदिर में अभी भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर ये अभी रखे जा रहे हैं सिलाएँ। और अभी हम लेके जाते हैं, देखते हैं लॉकर में अपना मोबाइल और कैमरे को रखना पड़ेगा तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएँ हैं। सामने में एक और मंदिर दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, और सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें हैं, हम लोगों ने अपना चप्पल जूता जमा कर दिया है काउंटर पर, और अभी हम लोग लॉकर में आए हैं, लॉकर में मोबाइल वोबाइल ये जमा करना पड़ेगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जाने वाला ये मार्ग है, और वापसी आने के लिए आप उसी मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ पे तलाशी क्षेत्र भी है जहाँ पर आपके शरीर का चेकिंग होगा, तलाशी ली जाएगी, और यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी कर्मी जो हैं बैठे हुए हैं सुरक्षा में। और इधर पीछे में मंदिर है, और यहाँ पर भी एक अमावा राम मंदिर है जहाँ पर निःशुल्क राम रसोई भी चलती है। ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप आने के बाद देखेंगे। लॉकर की व्यवस्था इधर है, और यहाँ पर देख सकते हैं पथ टू टेम्पल मंदिर जाने का रास्ता है जो कि दो तीन भाषाओं में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे भी यहाँ पे। तो कैसा लगेगा ये वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बने रहिएगा हमारे चैनल को अंतिम तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपके पास बैग या कोई अन्य सामान है तो आप स्कैनिंग पॉइंट तक आ जाइए, यहाँ पर आपका और आपके सामान की अच्छे से स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे लॉकर दिख जाएंगे जहाँ पर आप अपना चप्पल जूता बैग या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आपको टोकन या रसीद दिया जाता है जिसे कि आप अपने पास रख सकते हैं, एवं दर्शन करके आने के बाद आपको रसीद दिखाने पर आपका सामान दे दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे दर्शन के लिए प्रभु श्री राम के मंदिर में जो कि भव्य एवं पौराणिक बनाया गया है। इसकी भव्यता और दिव्यता देखकर आप बहुत खुश होंगे, सच में बहुत ही प्यारा और अलौकिक मंदिर बना हुआ है। इसकी खूबसूरती देखकर आप अपने आप को बहुत ही धन्य समझेंगे। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो जाएगा। यहाँ पर भगवान श्री राम की 5 वर्ष की उम्र की मूर्ति बनाई गई है, और रामलला के अलौकिक दर्शन होने के बाद आपकी आँखें भर जाएंगी। रामलला की प्यारी सी मुस्कान देखने को मिलेगा जो कि आपको बहुत ही शांति और सुकून देने वाला पल होगा। दोस्तों रामलला के दर्शन होने के बाद आप बाहर आएंगे जहां पर लॉकर से आप अपना सामान वापस लेंगे। सामान लेने के बाद मंदिर में कुछ समय बिताकर फिर से आप राम पद पर वापस आ जाएंगे। दोस्तों जब राम जन्मभूमि में आप दर्शन के लिए आएंगे तो जो भी मोबाइल कैमरा और जो भी गजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गजेट है आपको यहाँ के काउंटर पर जमा करना पड़ता है, और जमा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में काउंटर बने हुए हैं और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे काउंटर है जो जहाँ से आप सामान ले सकते हैं, सामान उस साइड से जमा किया जा सकता है, आपको एक की दिया जाएगा, और जब आप आएंगे वापसी दर्शन करने के बाद तो आपके सामान को यहाँ पे लौटा दिया जाएगा। मैंने अपना मोबाइल को यहाँ पे जमा कर दिया था, कैमरे को जमा कर दिया था, और दर्शन करने में मात्र हम लोगों को 25 से 30 मिनट ही लगे। बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसा शायद व्यवस्था भारत के किसी भी मंदिर में नहीं है जैसा कि व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, भक्त लोगों से बात करते हैं, फिर देखते हैं आप लोगों को भी इस वीडियो में दिखा देते हैं। तो आप लोग दर्शन कर लिए हैं क्या? बहुत बढ़िया, जय श्री राम। बढ़िया दर्शन, बेहतरीन दर्शन, पूरे भारत के जितने भी मंदिर है ऐसा सुंदर व्यवस्था पूरे भारत में नहीं है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, हम लोग मात्र आधे घंटे में दर्शन करके आ गए। सुंदर प्रसाद जो मुफ्त में है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था। आप यहाँ पे आप दान भी कर सकते हैं, दान पुण्य भी कर सकते हैं। आप चाहे तो भगवान के ग्रह में दान वहाँ भी दे सकते हैं, और यहाँ पर बाहर में आकर रसीद भी कटवा सकते हैं। आपने दर्शन करने में आपको कितना समय लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को, अभी आधा घंटा 40 मिनट लगा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और वहाँ पे अंदर को सामने से दर्शन कर पाया। जय श्री राम, मैं बिलासपुर से आया। और हमको जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि भारत के किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे आपको मात्र 30-30 मिनट्स में, अभी नए मंदिर हो रहे हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, फिर भी आप 30 मिनट्स में दर्शन कर लेते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और बहुत सारे काउंटर फ्री ऑफ कॉस्ट बने हुए हैं, आपको बाहर में मोबाइल चप्पल रखने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में के प्रांगण में आके आप आराम से मोबाइल और चप्पल सभी काउंटर पर आप जमा कर सकते हैं, और जमा करने के लिए अलग काउंटर है, फिर से आपको वापसी में जब आते हैं तो लेने के लिए अलग से काउंटर है। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप बहुत सारे YouTube में हमने वीडियो देखा था कि आप वहाँ पे मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, जमा करने में प्रॉब्लम होता है, जमा करते हैं इधर से तो लेना पड़ता है उधर से, ये सभी चीज़ें नहीं है। बहुत सारे लोग बरगला रहे हैं वीडियो में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वेटिंग रूम की भी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे आप मन थक जाता है या दर्शन करने के बाद आप समय बिताना चाहते हो तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। तो ये सभी चीज़ें, बहुत सारे भक्त लोग आए हैं दर्शन करके, तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है, दर्शन करने के बाद अपना मोबाइल भी ले लिया है, कैमरा भी ले लिया है और चप्पल जूते भी ले लिए हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप आए तो दर्शन जरूर करें, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा मन प्रफुल्लित। हम लोग दो बार दर्शन किए, कल शाम को भी किए थे, शुक्रवार को, आज सैटरडे का दिन है, लेकिन भीड़ अच्छी है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, और भीड़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर, और काउंटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत कम ही भीड़ है, बहुत सारे लोग अपने रूम में ही जमा कर देते हैं, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आइए, कुछ फोटो शोटो भी आप क्लिक करवा सकते हैं। तो ये सब ये भक्त लोग दर्शन करके आप वापस जा रहे हैं दूसरे स्थल की ओर, तो हम लोगों ने भी दर्शन कर लिया है, फिर आगे ले चल के दिखाएंगे आप लोगों को, तो बहुत ही मन प्रफुल्लित होगा। तो प्रेम से बोलते हैं एक बार, जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम जी के दर्शन के बाद आप राम पथ पर आकर ई रिक्शा को 20 रुपये पे कर आप लता मंगेशकर चौक पर आ जाए, जहां पर एक विशाल वीड़ा बनाया गया है और इसकी लंबाई 40 फीट है, और यह चौक स्वर का कैलाश लता मंगेशकर जी को समर्पित है। यह चौक रामपथ, धर्मपथ, नया घाट एवं राम की पैड़ी को जोड़ता है। इसी चौक के पास धर्मपथ पर सूर्य स्तंभ स्थित है, जो कि अयोध्या की दिव्यता और भव्यता को दिखाता है। लता मंगेशकर चौक के पास ही राम की पैड़ी स्थित है, जहाँ पर स्नान कर आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर विश्वविख्यात दीपोत्सव भी होता है, साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन लेजर शो भी होता है, साथ ही यहाँ पर नज़दीक में ही नया घाट बना हुआ है और यहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सरयू नदी में नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ आने के साथ ही आप यहाँ पर स्थित नागेश्वरनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। ऐसा मानना है कि सरयू नदी में स्नान करने के साथ ही नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इन सभी प्लेसेस को देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे राजा दशरथ जी के महल में, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, और इसकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। जब आप यहां आएंगे तो इस महल की सुंदरता देखकर आपको राम युग की याद दिलाती है। दिनों भर यहां पर राम धुन बजते रहता है, जो कि इसकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देता है। दोस्तों अभी हम लोग अयोध्या के दशरथ महल में आ चुके हैं, और देख सकते हैं आप ये पीछे में दशरथ महल है ये, और यहाँ पे उनके पूरा परिवार का मूर्ति है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी और भी रानियाँ भी हैं उनकी, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप जब यहाँ आते हैं तो ये प्लेस भी ज़रूर आए, देखें बहुत ही अच्छा लगेगा। और चारों तरफ रामायण की चौपाइयाँ लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद पॉजिटिविटी और अलग ही वाइब्स देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो हरे राम हरे कृष्णा होते रह रहा है यहाँ पे, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में सभी साधु संतों भक्तों का हार्दिक स्वागत है, ऐसा एक बोर्ड लगाया गया है, तो देख लिए आप भी इस वीडियो में। तो दशरथ महल ऐसा दिखता है अयोध्या का, आप भी जब आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आए। सामने में देख सकते हैं श्री राम शरणम मम, ये लिखा हुआ है, और ये बाहर का व्यू है यहाँ पर। सामने में देख सकते हैं शोभा दशरथ भवन, कई को कवि वर्णय पार, जहाँ सकल असुर शीश मणि राम लीला अवतार, ये सभी चीज़ें यहाँ पर है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा, और हरे राम हरे कृष्णा, एक बजरंग बली का मंदिर भी है सामने में, आप देख पा रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आप आए यहाँ पर अयोध्या में तो श्री दशरथ महल ज़रूर आए। तो लेके चलते हैं और भी दूसरे प्लेसेस को दिखाने के लिए आप लोगों, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो राजा दशरथ महल में देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे कनक भवन में, जो कि राजा दशरथ महल से 100 मीटर तथा हनुमानगढ़ी मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।
दोस्तों, कनक भवन बहुत ही सुंदर और भव्य लगता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महल माता सीता और भगवान श्री राम का निजी महल था, जहाँ की ये दोनों यहाँ पर निवास करते थे। यहाँ पर भगवान श्री राम एवं माता सीता को अलौकिक मंदिर है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के साथ ही आप यहाँ पर कुछ देर बैठकर इस भव्य मंदिर को निहार सकते हैं, जो कि आपको शांति और सुकून देने वाला पल होगा। ऐसा मानना है कि इस भवन को रानी कैकेयी ने वनवास पूरा करने के बाद सीता जी को तोहफा में दिया था। इस भवन के प्रांगण में ही श्री लाल दरबार मंदिर तथा श्री कनकेश्वर महादेव मंदिर भी बनाया गया है, और रात्रि में इन सभी महलों को देखना आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कनक भवन, जो कि अयोध्या में है, और राम मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह मंदिर है। और देख सकते हैं यहाँ का जो स्टोरी है वो ऐसा है कि जब वनवास पूरा करके राम जी और सीता जी जब अयोध्या आए थे, तो माता कैकेयी ने सीता जी को ये महल गिफ्ट में दिया था। तब से यहाँ पे राम जी और सीता जी निवास करते थे, और ये हिस्ट्री है यहाँ से। और देख सकते हैं ऐसा ये मंदिर दिखता है। तो जब भी आप आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दर्शन करना ना भूलें। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर के पास ही बने श्री राजद्वार मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि अयोध्या के तीर्थ स्थलों में चार चांद लगाता है। इस मंदिर में भगवान श्री राम का राज दरबार लगता था, जिसके कारण इसे राजद्वार मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में वर्तमान में श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी एवं बजरंग बली का विराजमान है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही आप श्री राजद्वार मंदिर के छत पर भी जा सकते हैं, जहां से पूरे अयोध्या का भव्य नज़ारा दिखता है। दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूं राजद्वार मंदिर के छत पर, और यहां से आप देखेंगे पूरा अयोध्या का व्यू, जो कि रात्रि व्यू है। तो आप देखिए वीडियो में कैसा दिखता है ये अयोध्या। सामने हनुमानगढ़ी मंदिर है, और उधर सामने में आप देख पा रहे होंगे अच्छी अच्छी लाइट की जो व्यवस्था है, वो राम जन्म भूमि मंदिर है। और देख सकते हैं ये सामने में जो मंदिर दिख रहा है ऊपर में, वही राम जन्मभूमि मंदिर है, और यहाँ से पूरा अयोध्या का व्यू देख पा रहे होंगे। तो राजद्वार मंदिर का हिस्ट्री मैंने इस वीडियो में आप लोगों को, यहाँ सामने में शायद रेलवे स्टेशन दिख रहा है, और ये देखिए आप यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। और ये है अयोध्या चारों तरफ से खुशहाल, और बहुत ही हनुमानगढ़ी मंदिर दिख रहा है सामने, बहुत ही काफ़ी हाइट पर है हम लोग। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ के पंडित जी से बात करके आप इस छत पे आ सकते हैं। और इधर का ये जो दीवार देख सकते हैं मंदिर का, ये गुंबज है, बहुत ही प्यारा सा व्यू है, और काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान श्री राम का राज दरबार लगता था। तो ऐसा कुछ हिस्ट्री है, जो कि वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया है। बहुत ही प्यारा सा व्यू है, और देख सकते हैं ये गुंबद है प्यारा सा, और चारों तरफ का व्यू नाइट व्यू है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जब भी आप आते हैं यहाँ पर, तो ज़रूर आए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे भंडारे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप फ्री में भोजन कर सकते हैं, और ये भंडारे आपको अयोध्या की सभी महत्वपूर्ण प्लेसेस के पास मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप पेमेंट कर भोजन कर सकते हैं। तो चलिए अब बातें कर लेते हैं कि अयोध्या का टूर प्लान कितने दिनों का होना चाहिए। वैसे तो आप एक दिन में पूरे अयोध्या को घूम सकते हैं, यदि आप सुबह यहाँ पर आ जाते हैं तो पूरे दिन घूम कर शाम की ट्रेन से अपने शहर को वापस जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे अंत में बातें कर लेते हैं बजट की। अगर सुबह यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर होटल का खर्च आपका बच जाएगा। खाने पीने एवं घूमने में 400 से 500 रुपए खर्च होंगे। इस प्रकार 500 से कम में भी आप पूरी अयोध्या को घूम सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अयोध्या दर्शन और इसकी पावन यात्रा के हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई तुरंत ही दिया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करें एवं कमेंट में मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री राम।